सलामती है सलामती उन आँखों पर जो हिदायत पे नजर जमाएँ बैठी हैं उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गमजन है असल वरहत लबरक तमाम तारीफें खुदाएँ बुजुर्ग बदतर के लिए जो वहद्ला शरीक है ना कोई सानी ना कोई हमसर दरूद लाम महदूद महबूब रबाल राहतिन मुरादुलमशताकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी पाक आपके जानसार अंसार और अब पर आप देख रहे हैं अलफलामी मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तय दिल से आपको कहता हूँ खुश आहमदैद मुझे आज के इस प्रोग्राम में बड़ा एतम और भरोसा है और मैं यकीन करता हूँ और यकीन से इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि नतीजा बड़ा खालिस आएगा लोग अक्सर ये ताना देते रहे कि इस्लाम ने औरत के हकूक़ दबा दिए और जवाब में लोगों ने कहा कि नहीं देखिए वो चौदह साल पहले अरब अपनी बच्चियों को दफना दिया करते थे दफनाने के बाद जिंदा करना तो दिखाई देता है मगर ऐसा जिंदा करना कि वो इस्लाम को जिंदा कर दें वो पैगाम को जिंदा कर दें वो अपने शहीदों की जिंदगी को जो कुरान की आयत है उसकी वजाहत दें अमल के साथ और ना सिर्फ ये बल्कि ालमों के दिल में खौफ और रोब बन के ठहर जाएँ मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है मिसाल देते हुए क्योंकि ये अया्यायाम मुहरम के हैं और आज जुमा है और सईद अम में इसी प्रोग्राम के पेश नज़र में आपके सामने करबला की उन मस्तूरात की मिसाल रखना चाहता हूँ जिन्होंने जरत बहादरीत शजात नफास्त तहारत और सबसे बढ़ के ये कि हुब्लह और ला की बेहतरीन मिसाल कायम की है आज के इस प्रोग्राम में मैं खुश आमद करना चाहता हूँ जो मेहमान हजरात हजराव यहाँ तशीफ़ फरमाए इन्होंने आज मेरी मुश्किल को आसान करना है मेरे सख्त और पेचीदा सवाल कुछ अपने खूबसूरत से जवाला जवाब में मुंतकिल करना है सबसे पहले खुश आमद करना चाहता हूँ आप आलिमा हैं जाकिरा हैं बहुत ही प्यारा खिताब फरमाती हैं मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर आप नज़र आती हैं और मुझे खुश आमदीद कहना चाहिए मुझे बहुत दिली सुकून महसूस हो रहा है डॉक्टर सरबद अस्करी सलाम मैं साथ साथ खुश आमदद कहूँगा अपने दूसरे मेहमान को आप भी शुभ तदरीस से आशना और वाकिफ़ और वाबस्ता हैं बहुत ही प्यारा और एक गहरा मुताल आप रखती हैं इस्लाम और इस्लाम की तमाम के तमाम मजामी के ऊपर मैं इस वक्त मत खुश आमदद करना चाहता हूँ डॉक्टर नज़रत जावेद को अलम डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तु का आगाज़ करना चाहता हूँ करबला को अगर हम देखें हम जिस जंग को देखते हैं जंग से नाम ही जहन में मर्दों के आते हैं जंग तो है ही मर्दों का कारनामा मगर ये करबला एक अजीब मार्का है कि जिसमें खवतिन के होने से पैगाम करबला हम तक पहुँचा है कौन सी खवतिन हैं क्या किरदार है बिसमैक्म वैसे सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को सबको मैं माह मुहरम के हवाले से तज़ियत और तसलीत पेश करना चाहती हूँ और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्वलम की, की बारगाह में शहज़ादी कोना जनामा उज़ा सलाम की बारगाह में देखें अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम ने जंग को मर्दों के लिए करार दिया था औरतों और बच्चों को जंग से मुस्तना करार दिया था और ये एक असूल था कि औरतें और बच्चे जंग से मुस्तना हुआ करते हैं लेकिन हर तहरीक हर पैगाम हर मिशन में हरावल दस्ते के तौर पर औरतें और बच्चे मौजूद हुआ करते हैं और औरत को खुदा ने यह अजमत अता फरमाई है कि अगर कोई पैगाम औरत तक सही पहुंच जाए तो वो औरत अपने घर के कितने ही अफराद को और घर से मुंसलिक कितने ही अफराद तक वो पहुंचा सकती है तो जब इमाम अली मक़ाम 28 रजब को मदीने से निकले हैं तो आ, मदीने के लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि फ़र्जंदे रसूल आप औरतों और बच्चों को अपने साथ लेकर ना जाइए मगर इमाम अली मकाम इमाम जानते थे कि यही वो बच्चे होंगे यही वो औरतें होंगी जो कि इस पैगाम पैगामसैनीत को आगे बढ़ाएंगे और हकीक़त यह है कि करबला के, के वाक़े पर पर्दा डाल दिया जाता जनाब ज़ैनब्र साम की वो शानदार खुदबा जो आपने खूफों और शाम के बाजारों में दिए उन बच्चों की वो गुफ्तु जो कि कोफ़ा और शाम के बाज़ारों में हुई और जनाब सकीना बिनतुल हसैन की शाम के जिंदान में शहादत इसने ए, लश्कर यजीद के तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अल के पैगाम को जिंदा कर दिया और जब भी पैगाम करबला की बात आएगी तब कभी भी हम औरतों और बच्चों को फरामोश कर ही नहीं सकते हैं इसलिए कि ये वो औरतें और बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान को किया और अपनी जबानों को और अपने वजूद को इस्लाम से मखसूस किया बेशक और देखिए क्या खूबसूरत मखसूसी है कि आज वो उनका जिक्र भी करबला के जिक्र में शामिल है जुज नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कुल है खूबसूरत अंदाज से आपने बयान फरमाया मैं मजीद वजाहत चाहता हूँ डॉक्टर साहबा कौन सी खवातियां ऐसी हैं जो आज भी हम उनका जिक्र करें तो हमें जहन में आता है कि तो बहादरी भी है शजात भी है ख़ास से ऐसे वक्त में कि जब इंसान हौसले हार जाता है मैं मैडम डॉक्टर तस्करी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए पहले तो मैं आपकी मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदू किया है और इस तरह से किया है कि जैसे एक औरत के बारे में आपने कहा कि औरत के इस्लाम अभी अभी आपने अपने अपने पैगाम में कहा है कि इस्लाम से पहले जो औरतों का हाल था जो अल्लाह जो लोग करते थे जब बेटियाँ हो जाती थी तो चेहरा छुपाए फिरते थे तो इस्लाम एक ऐसा मज़ब है जिसने औरत को मकाम को उठा के आ, कहते हैं ना रुतबा ऊंचाई पे फ़र्श उठा के अर्श पे ले गए तो अब उसी अगर हम इस इस, इस चीज़ को सामने रखें तो आप हजू सलील वम ने सबसे पहले ख़ातून थी हज़रत खदीजतुल्कुब्रा उन्होंने अब जब अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ आती थी तो सबसे पहले आप उनसे मशवरा करते थे फिर उन्हीं की नस्ल से चलते हुए आए इतना बड़ा वाक़ इतनी बड़ी आ, कहते हैं कहते हैं ना सारी सारी ज़िंदगी याद किए जाने वाला सारी ज़िंदगी बताने वाला वाक़ करबला आपने बता दिया था कि शहीद होंगे आजा तमाम हुसा, को शहीद होंगे और उनसे मुत्ल जो अभी डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि वो बच्चों को औरतों और को ले चले थे वहाँ से हुँ. तो उनको एक फ़ीसद भी ये खौफ नहीं था कि मैं बच्चों औरतों को ले जा रहा हूँ कुछ है क्योंकि उन हुँ. सब उनको पता था कि मेरे घर की औरतों ने और बच्चों ने अल्लाह पर ये पक्का यकीन रखा हुआ है तवक्कुल तवक्ल बहुत था वह जो आपने कहा ना कि शुजात बलागत फसाहत ये सारी चीज़ें उन खुतिन में मौजूद थी बहादुरी और उनके पास एक लफ्ज़ था और उनके पास आप ये देखिए कि जब करबला का वाकया हुआ जुल्म के पहाड़ तोड़े गए जंदान में रखा गया हजर सकीना चार चार बरस की है ना आज हम अपनी बच्चियों को यही बताना चाहते थे कि देखिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है अगर हम सोचें बेसब्री हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुकी है लेकिन उनका सब्र जद जैनब से जब पूछा भतीजी ने कि पुपी आप क्यों बैठ के नमाज पढ़ रही तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि खाना आता था जंदान में वो खाना मैं बच्चों को खिला देती थी कमज़ोरी से मुझसे नहीं ना खड़ों के नमाज पढ़ी जा रही लेकिन ज़बान पर उनके एक लफ्ज़ भी आपने देखा सब दुनिया जानती है पूरी दुनिया पूरा ज रहती दुनिया तक इस बात को कि जबान पर ना बदुआ थी ना शिकायत थी ना गिला था ना शिकवा था सिवाय अल्लाह तवक्ल पे और अल्लाह का हाथ उठाया तो लोगों ने उनकी सेहत ऐसी हो गई थी करबला के उसमें तकलीफ़ उठाते उठाते कि वो जो दरस व तदरीस का काम किया करती थी उस दरस व तदरीस की उनकी जो तलामजा थी उनके जो शागिरद थे वो उनको पहचानने सेसिर थे किसी ने बताया कि तो असर जैनब है तो बड़े हैरान हुए कि आप क्योंकि खाना नहीं पानी नहीं जिंदान में जहाँ हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा ये बहुत एक कहते हैं ना जिससे कि ये हमारे मिसालें देने और हमसे हमारे डिस्कशन में या हमारे बात करने से बहुत ज्यादा बहुत आगे की चीज है ये बिल्कुल सही अगर देखा जाए बिल्कुल सही और फिर उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की जोजा हजरत उम्मे लैला जब उनके बेटे को अली अकबर को शहजादा अली अकबर जो कि शबाहत शा, शा, रसूल थे तो उन उनको ले जाया जा रहा था तो एक औरत ने क्या कहा था ये चाँद का टुकड़ा कहाँ जा रहा है ने आपने क्या कहा ये मेरा लगता जिगर है और आपके चेहरे पे ना शिकायत थी ना गिला था ना कुछ था कि मेरे रब की तरफ से मेरा रब मेरी मदद करेगा और अल्लाह मदद करो कहते हैं ना ता हया ता जिंदगी रहती दुनिया तक इन लोगों की जो मिसालें हैं कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको अल्लाह कहीं भी नहीं हमारा काम है हम जब इसको मुहर्रम का इतना मोतबर इतना हरमत वाला महीना आता है तो हमें अपने बच्चों को बताने की अशद ज़रूरत है बताने की कि आप सिर्फ उनकी एक चीज पे भी अमल कर लेंगे ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी बिल्कुल मैं इसे ताक करता हूँ और जो मिसाल आपने पेश की है कि इस जबर में इस जुल्म में और इस तकलीफ में और इस शिद्दत में और फिर अपनों से जुदाई भी है प्यास भी है फराक भी है सब सह रहे हैं मगर रजन भी कजाही व तस्लीमन भी अम और अगर पूछा जा रहा है कि क्या देखा तो माया जा रहा है कि मारा ही तो इल्ला भी जमाल ही देखा ही नहीं सिवाय ये कि हुसन जमाल और जलाल और खूबसूरती यजदा के मैं खूबसूरत से इसी मौजू के ऊपर एक मुख्तर सफ़्फर लूँगा लौट कर आऊंगा अलफलामी में आपका इंतजार है दरमन खुश आमदेद अलफलामीम आज वैसे तो हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम होता है कि जैसे ख़वान और बच्चे ख़ास तौर से देखें मगर आज खवतान और बच्चे देखें ही देखें क्यों क्योंकि जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि सैदना इमामे अली मकाम क्यों खुवात को और बच्चों को साथ लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी भी जंग में किसी भी मार्के में जहाँ पर मुजामत हो मुखालफत हो तस्वुर भी की नहीं जा सकता कि आप अपने ख़्वीन और बच्चों और हरम को ले कर जाएँ फिर वो हरम जिनकी अजमत तहारत नफासत सबसे आला है उनको ले जाने का मकसद क्या है शायद मकसद तरबियत ने बता दिया और तहजीब ने बता दिया और सब्र और बर्दाश्त ने बता दिया और फिर जहाँ मौका मिला वहाँ फसाहत और बलागत ने बता दिया मैं फसाहत और बलागत की बात करूँ तो डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा से पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहबा मैं आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक ालिम का दरबार सल्तनत उसकी हो फौज उसकी हो लश्कर उसका हो और इससे कबल उसने आपके अजीजों को शहीद किया है इसके बावजूद उसके सामने इतनी जरूरत मंदाना गुफ्तु को कैसे कोई कर सकता है क्या जुमले आपके थे और कैसे आप गुफ्तार फरमा रही थी जनाबी जैनब गुबरा जो कि शरीकतुल हुसैन है और जनाबी जैनब गबरा मौलाय कैनात हज़रतरीब ने भी तालिबल की बेटी है और फसाहत व बलागत के पैकर बाप की फसै व बलीग बेटी शायर बाप की शायरा बेटी और विरासत में यकीन आपको अपने वालद मोहतरम हज़रत अली से व बलागत मिली है और जिस वक्त के यजीद ने अपने दरबार में कहना शुरू किया कि कुछ देखा तुमने तुम्हारे साथ करबला में क्या हुआ तो जनाब ज़ैनब ने जिस तरह के अभी आपने इससे पहले फ़रमाया कि ने भरे दरबार में फरमायासन जमाल के कुछ नहीं देखा यानी हजरत कट जाना इलाही है कलेजे में बरछी का जमाल इलाही है Allah इमाम अली मकाम इमामी हुसैन की लाशे पर घोड़े दौड़ जाना ये यकीनन जब इंसान मर्जी मबूत के साक जाए तो हर चीज उसके लिए हुस्न और जमाल हुआ करती है तो जनाब जैनबरा सलाम्ह शरीकत आपको कहा जाता है इसलिए कि इमाम को आगे बढ़ाने वाली और सनाब जैनब नेर्शाद फरमाए कोफे के बाजार में और शाम के बाजार में और शाम के दरबार में और जब वो अजीम खुदबात इरशाद फरमाए तो उसमे जनाब जैनबरा सलाम की आवाज़ एक ललकार की मानी थी एक कड़कती हुई आवाज थी ऐसी आवाज थी कि इतना शोर था कोफे के बाजार में कि और जिस वक्त जनाब जैनब ने गुफ्तु को आगाज किया तो रिवायत ये कहती है कि ऊंट के गले की घंटी जो थी वो भी खामोश हो गई थी Allah Allah. और इतना सन्नाटा छा गया था और जनाबी अपना तारुफ करा रही हैं अपने ख़ानदान का तारुफ़ करा रही हैं इमाम अली मकाम का तारुफ़ करा रही हैं और इमाम हुसैन आलासलम के उस अजीम मकसद का तारुफ़ करा रही हैं आम लोगों को मालूम ही नहीं था इसलिए कि यजीद ने कहा था कि एक बागी ने खरूज किया है बाग़ियों के सर काट कर उनके सर नो के पर बुलंद करके और उनकी नामोज़ को लाया जा रहा है लेकिन जनाब जैनबर सलाम ने बताया कि हम रसूल का ख़ानदान हैं ये रसूल के नवासे का सर है और यजीद क्योंकि फिसको फजूर कर रहा था अल-एलान लिहाजा अगर रसूल का नवासा इसके मुकाबले में ना आता तो कौन आता और इमाम अली मकाम इमामी हुसैन आलातम ने अज़ीम क़ुरबानी पेश की मगर दीने परवरदिगार आलम को बचा दिया सुबहान अल्ला और इस तरह से बका दी हयात ख़ुद भी आज हैरान है कि ज़िंदगी देने वाला इस हद तक कोई तबीब भी ना होगा कि जो ये जानता हो कि किस वक्त किस कुर्बानी की ज़रूरत है मसला जहाँ हजरत अली अकबर की ज़रूरत थी वहाँ अली अकबर पेश कर दिए गए जहाँ पर छः माह के अली अजगर की ज़रूरत थी हुसैन ने वहाँ से भी दामन को झाड़ लिया और सुपुरद खाफ कर्मा लिया मैं कर्बान जाऊँ इन अदाओं के ऊपर और इस कुरबानी के ऊपर डॉक्टर साहबा बच्ची की आपने बात की एक छोटी शज़ादी गालिबा चार साल या इससे ज्यादा या कम इस उम्र में तो बच्चों की कुर्बानी नहीं होती हम ख़्वीन को वैसे ही कहते हैं कि सन्फ़ नाजुक है मगर इस शहज़ादी की क्या कुर्बानी है और कैसे ज़रूरत और इस्तकामत के साथ अपने फ़र्ज को निभाया है इसलिए कि उस, उसकी जो परवरिश किया है जिन्होंने वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ील त और हज़रत उम्म लैला थी जिसके माँ बाप जिसके वालदे इतने अली मकाम पर हों तो उनकी परवरिश आप सोची क्या होगी चार साल की उम्र में सबर और इसकामत का जो आ, मिसाल उस बच्ची ने पेश की है वो यानी कि मिल ही नहीं सकती ना उनको कहीं भी और उसके बाद उस उन्होंने किस तरह से किस तरह से मैं वो क्या जब वो जिंदान में क़ैद थी जी। तो वो किस तरह से बर्दाश्त कर रही थी कि हाथ को हाथ सजाई नहीं देता था वो कहती थी कि लगता था यहाँ सफ़ाई सुथराई नहीं इतना अंधेरा था वो सब के साथ रही वो चाहती तो चीखम चिल्ला शोर शराबा कर सकती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन उन्होंने हाँ उन्होंने क्या किया ख्वाब में अपनी दादी को देखा था हज़रत फातमा को हजरत फातमा जो आई थी तुम्हारी मैं तुम्हारी दादी हूँ तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो तो क्या उन्होंने क्या कहा था ये सब अल्लाह के काम है और इस वक, उस वक्त उस वक्त उन्होंने अच्छा दुख और मुश्किल दुख और सुख दो जगह अल्लाह ताला के कहते हैं ना आजमाइश ये तो आजमाइश से बड़ी आजमाइश थी आजमाइश से बड़ी आजमाइश थी चार साल के बच्चे को क्या होगा क्या पता चलेगा लेकिन सब्र के साथ अमूह से कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं और फिर उसके बाद जब हजरत जैनब कुबरा डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया खिताब कर रही थी उस वक्त उस साथ थी जब उनके सामने वालिद का सर लाया गया अल्लाह और उन्होंने किस तरह से अपने वालिद के सर को पकड़ा है तो उनके हाथ से खून निकलता रहा लेकिन उनकी ज़बान पे शिकायत नहीं थी उनकी ज़बान पे शिकायत नहीं थी वही हुस्न व जमाल वही कहते हैं कि इस्लाम कहते ना आपने कहा ना जिंदा हो गया वही वही चीज़ दोबारा क्यों उनकी नसल उनका ख़ानदान उनके वालिद उनके वालदेन सब कौन थे सब अल्लाह के प्यारे महबूब के रिश्तेदार अहल ना तो उससे तो लेकिन फिर भी फिर भी वहाँ पर जितनी खावीन मौजूद थी हज़रत इमाम हुसैन से रिलेटेड जितनी थी किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं म, वो बात आपने कही ना जंग मर्दों का हिस्सा होती है लेकिन वहाँ मर्दों से बढ़ के भी औरतों ने किया तो वो कहते हैं ना कि ईमान दीनदारी मर्द के इसमें आ जाए तो घर में एक घर की दहलीस पे दीनदारी आ जाती है और अगर दीनदारी और सब्र फसाहत और बलागत और शुजात औरत के अंदर आ जाए तो कई नस्लें संभर जाती हैं तो ये हमारे लिए ऐसी मिसाल है उन्होंने फिर भी गिला नहीं किया जब जंदान में गई उन्होंने फिर भी गिला नहीं किया जब अपने वालिद का सर कटा सर देखा उन्होंने किसी चीज़ पे गिला नहीं किया जब उनको भाई को बर्छी मारी गई कुछ भी किसी बात पर तो उन्होंने गीला किया सिर्फ़ साबरीन पे सब और फसाहत के साथ खड़े रहे तो ये तो एक बहुत ये सच पूछिए तो ऐसी मिसाल है ऐसी मिसाल है ये सिर्फ मुहर्रम के अलावा भी हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है तो आपका रेगुलर हिस्सा होना, होना चाहिए आज भी अगर माशरे को आप बहादरी शजात और फिर अपने ही घर और अपने मकसद को समझने वाला चूंकि देखा यह गया है जनमन की खातिन जहाँ मर्द शबरोज काम कर रहा होता है उसका हाथ और उसका हौसला बनने के बजाय उसके साथ फरमाइश और ख्वाहिशों के अंबार लगाती है करबला की तरफ देखेंत करबला को देखें ख्वाहिश ख्वाहिश इलाही यानी फरमाइश नहीं बल्कि रज़ा इलाही के ऊपर गामजन है और इस अंदाज से हैं कि कुर्बानियां पेश की जा रही हैं तो उन कुर्बानियों पर ना शुक्री नहीं बल्कि ख़ुद से शुक्र अदा कर रही हैं हज़रत ओन मोहम्मद की कुर्बानी हो जनाब हजरत अली अकबर की कुरबानी हो या ख़ुद सदा सकीना के हाथ में जनाब सैदा का सर हो एक मुख्तर सवफ़ा है हम लौट कर आएँगे मजीद सवाल जब पूछेंगे और आपको गुफ्तगु में शामिल रखेंगे अलफलामी में आपका इंतज़ार है मन हैदर कर आप पे हमारा सलाम हो आपके घराने का तो ये हक़ बनता था और आपने खूबसूरती से निभा दिया मगर तारीख़ का मुताल मैंने किया है मैंने बड़े बड़े जंगजुओं का नाम सुना है जिन्होंने शहरों को मुल्कों को फतेह किया है चाहे वो कैसे कसरा हो दारा हो सिकंदर हो या इससे अलावा मगर मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता कि जिसकी अपनी शजात की जो दास्तान भरी हुई हो मगर उसके घर की औलाद और उसकी बेटी शाम को फतेह करके आए दरबार में और ख़ास तौर से उस वक्त कि जब कुर्बानी की इंतहा हो और खुद जालिम जाबिर तख्त बैठा हुआ सरे अगदस के साथ बदतमीजी और नाजेबा हरक़त कर रहा हो ऐसे में आपकी ज़रूरत आपकी सकामत को सलाम है और आपके उस लहजे को सलाम है कि जिसमें हज़रत अली अबनबालब की महक आती है अंदाज़ और वह बलागत और वह फसाद मैं चाहता हूँ कि अपने मेहमानों से उस हवाले से भी गुफ्तु करूँ डॉक्टर साहब ये तरबियत होती है ना मसल ऐसा तो नहीं है कि कोई बटन दबाया और रिजल्ट आ गया कि जनाब सईदा आलिया की तरह हमारी हमारी दुख्तर हो हमारी बेटी हो ये हज़रत अली जनाब फ़ातमा की तरबियत रही होगी और ऐसी मिसाली तरबियत कि इससे पहले आपको ना बाज़ार ना दरबार जाने की तोफ़ी हुई ना कभी ऐसा मामला पेश आया मगर आज पहली दफ़ा है और हर राह लिख रहा है कि इससे बेहतर अंदाज नहीं कि लोग कह रहे हैं जैसे हज़र अली ख़ुद गुफ्तगू फरमा रहे हो बेशक मौलाए कायन ने भी तालिबल इस्लाम जब कोफे में मौजूद थे और खुफा आपका था, था, था तो मौलाए कायनात के घर के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था वो कहता है कि मैं कई बरसों तक मौलाए कायनात के पड़ोस में रहा लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उस घर में उनकी बेटियां भी मौजूद हैं यानी जनाब जैनब कुबरा और मैं आज की औरत के लिए कहना चाहती हूँ कि देखिए सबसे पहले वाजबात की अदायगी वाजबा किया जाएगी आज की औरत अगर चाहती है कि वो जनाब जैनब्र साम के ए, को अपना रोल मॉडल बनाए तो उसको वो हिजाब की भी पाबंदी करनी होगी उसके साथ साथ अपने वाजिब मसलन अपनी खानगी ज़िंदगी जनाब जन्द जैनब्र सलाम की हमें ज़िंदगी में शेड्स नज़र आते हैं इसलिए कि अगर एक जानब आप दीन के खातिर ऐसा काम कर रही हैं कि आप अपने निका में उस जमाने में अपने निका में ये शर्त दिख पा रही हैं कि जब इमाम आली मकाम करबला की जानब जाएंगे तो मुझे भी उनके साथ जाने की इजाज़त दी जाए और दूसरी जानब जनाब जैनबर सलाम ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इतना मजबूत किरदार है कि जनाब जैनब्र सलाम दो बच्चे थे जनाब ओनों मोहम्मद और जनाब ओन मोहम्मद की जब यानी मैं शब आशूर का एक मंजर आपकी निगाहों के सामने पेश करना चाहती हूँ आशूर यानी नौ और दस मुहर्रम की जो रात थी जब का जायजा लेना शुरू किया तो आपने देखा कि जनाब जानब कुबरा अपने सामने छोटे छोटे बच्चों को बिठाए कह रही है कि देखो तुम जाफर त्यार के पोते हो हैदर करार के नवासे हो कल की जंग में तुम सबसे आगे रहना और देखो सकीना से पहले पानी ना पी लेना ये दुनिया में तमाम माए ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा बचाए लेकिन मेरा सलाम होकर बड़ा कि माओ पर कि जो ये कहती हैं कि पहले मेरा बच्चा शहीद हो जाए तो जनाब जानब कु सलाम ने बतौर माँ हजरत ओन मोहम्मद को दीन इलाही तो तो पर कुर्बान किया मामू की मोहब्बत बताई हजरत अली अकबर की उल्फत बताई जनाब सकीना सलाम उल्ला मामूजाद बहन थी मामूजात बहन थी मगर कहा कि देखो सकीना से पहले पानी ना पी लेना ऐसा ज़बरदस्त किरदार हमें तारीख़ में कोई और नहीं मिलता जैसा जनाब जैनबर सलाम का किरदार है यानी जब भी मक्तल इमाम अली मकाम इमाम सलाम तक आ, कोई पैगाम पहुँचाया है जनाब जैनबर सलाम लाया लाया की तरफ़ से गया इसी तरीके शरीकत हुसैन कहते हैं तो इमाम आली मकाम ने भी कोई क़दम जनाब जैनबर सलाम की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं उठाया इसीलिए शरीकत हुसैन कहते हैं और जब इमाम आली मकाम मख्तल की जानब गए हैं तो अपना आ, आ, सारी वसीतें जनाब जैनब्रा सलाम को करके गए और जनाब जैनब्रमाम उन वसीयतों की अमीन बनकर उन वसीयतों की अमानत बनकर करबला से लेकर कोफ़ा और कोफे से लेकर शाम की मंजिलों को तय और सर कर रही हैं जनाब जैनब्र सलाम उस अज़ीम किरदार का नाम है कि जब हम तारीख़ में नज़र डालते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जनाब जैनबर सलाम्ल चाहे वो करबला का खूँ आशाम शाम हो चाहे वो कोफा और शाम का बाजार हो चाहे वो शाम का दरबार हो चाहे वो शाम का जिंदा हो उनकी पूरी नज़र आती Allah है।, क्या गया है कि दस मुहर्रमाम तक तो सहीदना शहादत और फलसफा शहादत है मगर उससे आगे जनाब जैनब आलिया का किरदार और आपकी शजात और आपकी बहादरी और आपका सबर है बकौल हज़रत शायर मशरक़ के हदीस इश्क़ दो बबस करबला व दम इश्क़्क ये हुसैन रकम कर दे व दीगर ज़ैनब मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर एक तशनकी महसूस कर रहा हूँ और इसको भी चाहता हूँ कि आप मिटा दें यही इसी ज़ुमरे में जनाब ज़ैनब आलिया का वापसी का सफ़र और फिर आपका मदीने में आना मदीने में रहना और ऐसे आलम में रहना कि आपकी औलाद नहीं है वापसी शाम चले जाना इसके अंदर क्या राज पोशीदा है जनाब सैनब कुबरत इस्लाम की बेहतरीन मुजाहिदा के तौर पर अपनी जिंदगी को गुजारा यानी जब यजीद ने रिहाई दे दी जिनाब जैनबरतम ने मामी सयदी सजाद से फरमाया कहा कि यजीद से कह दो एक मकान खाली करा दे, मैं अपने भाई को रोए नहीं हूँ यानी कातिल के घर में मकतूल का मातम हो गया फर्श अज़ा वहाँ पर बिछाली और उसके बाद जब लौट कर वापस मदीने आई अच्छा बीच में करबलाए हुसैन से गुजरती हुई आई अरबईन करती हुई आई और उसके बाद वापस लौट कर आने के बाद क्योंकि मदीने से और बैरून मदीने से लोग आया करते थे वाकयाती करबला सुना करते थे मर्दों में जाकर इमामी सैद सजाद हुआ करते थे औरतों में जाकर जनाब जैनब कुबरा सलाम था था हुआ करती थी तो वाक़ियात करबला दोहराए गए बढ़ाए गए आगे लोगों तक बयान किए गए सीना दर सीना उन लोगों ने आगे जाकर बयान किया और जब यजीद ने देखा कि मदीने में इनकलाब के आसार बढ़ पाएँ जनाब ज़ैनबर सलाम क्योंकि औरतें जाकर अपने घरों में जो कुछ जनाब ज़ैनबरत सलाम से सुनती थी वो अपने घरों में जाकर कहती थी तो अब दोबारा जनाब ज़ैनबरत सलाम को शाम की जानब बुलाया गया अच्छा शाम जनाब ज़ैनबर सलाम्ल जब शाम की जानब रवाना हुई अच्छा सब ए, मदीने में आपने जिस तरह के सवाल किया कि हज़रत अब्दुल्ल इब्न जाफ़र तैयार एक मरतबा इमाम ज़ैनलाअब्दीन आलिस्लाम के पास आए और कहा कि अपनी फूफी से कहिए कि घर भी तशरीफ़ ले चलें तो हज़रत इमाम सैद सजाद ने फरमाया कि पोपी आप अपने घर भी तशरीफ़ ले जाएँ तो जनाब जैनब्र साम जब अपने घर में दाखिल हुई और जनाब ओन व मोहम्मद के हजरों पर नज़र पड़ी तो वो माँ थी ना Allahumma. एक मरतबा माँ का दिल फट गया माँ की आंखों में आंसू आ आ गए गए अपने बच्चे याद तो क्योंकि इतनी हवादे से जमाना से इतनी चेहरे में तब्दीली आ गई थी और उसके बाद जब शाम की जानब दोबारा सफर किया जनाबी जैनबरा सलाम्ह ने तो आप वाकयात करबला बयान करती हुई गई यहाँ तक के आज जनाब कुबरा का जहाँ पर रोज़ा है वहां पर एक बाग था उस बाग में याद आया जनाब जैनबरतम क्योंकि शाम जब हम पहली मरतबा आए थे तो एक दरख्त था उसके ऊपर इमाम आली मकाम का सर लटकाया था जन्वे। इमाम जनाब उस सरख को तलाश करना शुरू किया और जब भाई के लहू की खुशबू पाई तो रोना शुरू कर दिया और जब रोना शुरू कर दिया तो वो उस बाग का मालिक जो कि दुश्मन था उसने बेलचे से सर पर वार किया और जनाब जैनबरा सलाम की शहादत हो गई लेकिन अच्छा। आज भी जनाब जैनबरा सलाम का रोज़ा मुंबई अनवार है खलाय है परवर आलम आपको हम सब सबको रोज़ जनाब जैनब स रोज़े की ज्यारत नसीब फरमाए इसलिए कि जब हम शाम में डेमेकस एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ हर सिल से एक ही आवाज़ आती है सैदा जैनब सैदा जैनब और जनाब जैनबरत सबसे बड़ी फ़तः ये है आज भी बीबी के रोज़े से चादरें तकसीम होती सुबहानला देखिए हया और परदादारों की यही मिसाल और यही रीत और यही रिवाज है कि आज भी जमाने को तोकीर और अज़मत पर्दा और हिजाब दिखाया और सुनाया और तोहफतान पेश किया जा रहा है अपने अमल के बाद भी और यानी दुनिया से रुखसत होने के बाद पर्दा फरमाने के बाद आखिरी लम्हा है मेरे पास डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ आज के बच्चों और बच्चियों के लिए स्पेशली किस तरह से करबला वाले करबला की खबन रोल मॉडल बन के नजर आई है देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले तो हम और ख़वान को अपनी बच्चियों को जो अभी जनरेशन है उसको बताने की बहुत ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लेने की ज़रूरत है डॉक्टर साहबों ने इतनी ख़ूबसूरती से वो मंज़र पेश किया है कि जिसको देख के लग रहा है कि हम कितना ही फ़ख्र करें कितना ही रश करें हमारे लिए कम है क्योंकि जब यजीद ने कुरान के तर्जुमे को कहा था कि अल्लाह देखो क्या करा रहा है तो उस वक्त भी जनाब जैनब जैनब हजरत जैनब ने उस वक्त भी उसको ऑब्जेक्शन किया था कि तुम कुरान का तर्जुमा गलत क्यों बयान करते हो ये तो हमारे लिए रश के उसमें अल्लाह ने बताया है कि तो तशा हो तो मंतशा हो है ना वो तो हमें नसीब हुई है इज्जत तो उसने जमाल तो हमें नसीब हुआ है तुम किस बात की बात करते हो तो आप इन्होंने जिस तरह से बताया है कि यह हमारे लिए आज के दौर में हमारी बच्चियों को ये बताने की ज़रूरत है कि देखो उमहातुलमोमिन अजवाज बैत की मुता करबला ये सब वो शख्सियात हैं जिनकी आप छोटी से छोटी चीज़ भी ले लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और उसमें सबसे बड़ी चीज़ सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन चीज़ है सब्र और इस्ताम सब्र और इस्ताम हमारी बच्चियों में आ जाए जिस तरह देखिए हम लोग फादर्स डे मनाते हैं मदर्स डे मनाते हैं कौन कौन सा वमेंस डे मनाते हैं अब मुहर्रम में इस चीज़ को होता है हमें चाहिए है कि हम और दिनों में भी उमातुल उमतलमिन अहल बस्तूरात करबला का दिन मनाएं और जो आपने कहा ना कि इसको कोर्स में शामिल करना चाहिए बेशक इसको कोर्स में शामिल करना चाहिए निसाब में शामिल करें दिन बनाए और बच्चियों को इस बात पे रागब करें कि देखो बेटा ये है हमारे बदकिस्मती डॉक्टर साहब जिन लोगों को हमने ज़ाहिर रो, रो, रोल मॉडल हैं हीरो हैं पढ़ना था हमने उनको फिरकों में डिवाइड कर लिया बदकिस्मती से मैं अगर जनाब जैनब का जिक्र करूंगा तो लोग मुझे देखेंगे की ये मसल के एबार से कौन है जबकि ये तो सबके लिए है और ये लाजमी है मैं आपको एक बार बताऊँ देखिए फिर हो मसलक हो कीदे हो कुछ भी हो सबका रास्ता एक ही तरफ जा रहा है अल्लाह और उसके रसूल और एहलेत सबका रास्ता कोई अब हम यहाँ बैठे हम मैं कहीं और से आई ये कहीं और से आई लेकिन मेरा पॉइंट यही है अल्लाह और रसूल और उस बैल बैत जब तीन चीज़ें हमें सामने नजर आ रही हैं तो हमें इसी चीज़ को पकड़ना चाहिए ना बच्चियों में एक सब्र इस्तार और तीसरा मैं कहूँगी हया हदीस है ना तुम तो मैं हया नहीं तो तुम्हारा जो दिल चाहे करो है ना तो वो औरतें जो हया के दामन को पकड़ते हुए मैदान जंग में वो खिताब भी कर रही हैं ललकार भी रही हैं और अल्लाह के पैगाम को दुनिया में दिखा भी रही हैं कि देखो ये मेरा रब मेरे साथ मेरे कितनी बड़ी मेहरबानी कर रहा है हालांकि वो तकलीफ में है हालांकि वो चाहे उनकी जोजा हो चाहे जैनब हजरत ज़ैनब का तो आप करने पे पढ़ने पे देखने पे आएंगे तो आपके लिए तो ये वक्त बहुत कम हो जाएगा। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपको डॉ जावेद साहब आपने बड़ी वजाहत के साथ गुफ्तु फरमाई है डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी तश्नगी को दूर फरमाया खतियों इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं और एक एक जुमला नवादरात से कम नहीं था तहरीरें लिखी जाएं इस प्रोग्राम के ऊपर और इन शख़्सियात को बारहा एक गौतज़नी की जाए इनके किरदार के ऊपर इनकी गुफ्तार के ऊपर और इनके मैार तक पहुँचने की कोशिश की जाए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भी अपने बच्चों को अगर आप हया एहसास हया समझाना चाहते हैं आपको मस्रात करबला पढ़ानी होंगी फिर से मसलक से बिल्कुल मत... हट कर यानी इन चीज़ों की कैद से निकल कर इसलिए कि यही लोग हैं जिन्होंने आप तक दीन पहुँचाया है और अगर यही लोग आपसे महरूम है तो आप दीन से महरूम है यानी इनके साथ आपको रिश्ता जोड़ना होगा जनाबे हतीजतुल्कब्रा आप पे हमारा सलाम हो आपके किरदार को अगर निकालते दें तो दीन को आपने क्या हासिल किया और कैसे आप तक पहुँचा ऐसी महातुलमोमिन का एक किरदार ऐसी सहाबियात का एक किरदार और फिर करबला जिसने इस्लाम को बका दी है उनमें खवातीन करबला का मसूरात करबला का एक ऐसा किरदार है कि जिसकी वजह से आज तक हम तक पैगाम पहुँचा हुआ है मैं समझता हूँ कोई भी सियासी तहरीक हो अगर उस पर खवातीन का किरदार ना हो तो वो बे मकसद और बे नतीजा निकलती है ये तो एक आलमी तहरीक है जिसको हम करबला कहते हैं और इसमें खवातीन का किरदार मिसाली मयारी और के मुताबिक है अपना ख्याल रखेंगे आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का वैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह की अमान में